नमस्कार, डी लाइव न्यूज के खास सेगमेंट न्यूज एनालिसिस में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, राजनीति की परिभाषा समय के साथ साथ बदलने लगी है और शायद यही वजह है कि जब हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है तो पॉलिटिक्स में भी हाईटेक तड़का देखने सुनने को मिल रहा है। जिस तरह से लगातार देश के बड़े राजनेताओं ने अब सोशल मीडिया के फोरम पर अपनी दस्तक दे दी है, बात चाहे फेसबुक की कर लें, ट्विटर की कर लें या व्हाट्सएप की उलझन भरी दुनिया की कर लें, हर नेता व्हाट्सएप पर अपनी प्रेजेंस दे रहा है और लगातार जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का तरीका था उसमें भी समय के साथ बदस्तूर अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से ये व्हाट्सएप और फेसबुक की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान को किसी नए मुहाने पर ले जा रही है, इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश में दो बड़े राजनीतिक दल हैं, क्या वो भी इस बदलते जमाने में राजनीति की दिशा में परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। इस खास विषय पर विश्लेषण करने के लिए, न्यूज एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता श्री उमेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के प्रवक्ता श्री नरेंद्र सलूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास मसले पर बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा वो बयानों को यहाँ पर देख सुन लेते हैं, उनकी एक झलक देख लेते हैं जो कि देश के बड़े नेता इन दिनों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी दस्तक देने के साथ बड़े ही जोर शोर से उसे बता रहे हैं। बात चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कर लें या बात करें कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं की, तमाम बड़े नेता सोशल मीडिया पर अपना पॉलिटिकल प्रेजेंस न केवल दिखा रहे हैं बल्कि तमाम बड़े बड़े बयान भी वो ट्विटर पर एक क्लिक के जरिए जारी कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर बात करते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी, जी हां, केंद्र में मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की तूती बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी कितनी आगे कितनी पीछे सोशल मीडिया के इस जमाने में, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर की इस पॉलिटिक्स में, सबसे पहले जानते हैं उमेश शर्मा जी। उमेश जी, आपका क्या अनुभव है इस बदलते जमाने में, आप कितना खुद को हाईटेक कर पाए हैं? नई तकनीक का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा स्वागत किया है। हम लोगों का सदैव विश्वास रहा है कि नए मूल्य आते हैं, नए प्रतिमान आते हैं, उनके साथ पार्टी को चलना चाहिए, उसके साथ तालमेल बैठाना चाहिए, पर वो तालमेल कितना बैठाया जाए, उनको कितना अंगीकार किया जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। केवल हाईटेक होकर समाज जीवन में राजनीति करना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मूल वाक्य है, हमारा ध्येय वाक्य है कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उत्थान। हमारे जो महामनाते जिन्होंने हमारी पार्टी को मार्गदर्शन दिया, मार्ग प्रदान करा पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और दर्शन प्रदान किया दीनदयाल उपाध्याय जी ने, और हमारे दर्शन का मूल है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान करना है, उससे जुड़ना है। तो सोशल मीडिया की अवहेलना तो नहीं की जा सकती है। सोशल मीडिया आवश्यक भी है, स्वीकार्य भी है और शने शने केवल राजनीति में नहीं, आम भारतीय के समाज जीवन में उसका प्रवेश भलीभांति हो गया है और बहुतायत में हो गया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे सारे बड़े नेता जो हैं वो सारे हाईटेक हैं, ट्विटर पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर हैं, समय समय पर जब आवश्यकता होती है तो फेसबुक के माध्यम से बात करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं, ट्विटर के माध्यम से करते हैं, पर हमारा जो मूल है, हमारा मूल है नीचे जमीन से जुड़ाव का, तो हम उससे कट नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए सोशल मीडिया प्राथमिकता नहीं है, आवश्यकता है और उस आवश्यकता से हम इनकार भी नहीं करते हैं, पर हमारी प्राथमिकता है, हमारी जो कार्य पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की, हम लोग निरंतर कार्य करने में विश्वास करते हैं, चरेवेती रात दिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम आते हैं, जो कार्य रचना आती है, वो इस प्रकार की होती है कि समाज जीवन में हम लोगों का जुड़ाव सहज रूप से घर घर होता है। केवल एक छोटा सा विषय बताकर मैं आपकी उत्तर समाप्त करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सदस्यों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है। हमने चाइना के राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या 10 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। ये कैसे संभव हो पाया? ये केवल हाईटेक को हमने अपनाया, हमने मिस कॉल करवाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी एक अभिनव प्रयोग लाए, उन्होंने कहा कि आप जनता के बीच में जाइए, मिस कॉल करवाइए, मिस कॉल से सदस्यता हुई, सदस्यता के बाद अब हमने जब सदस्य संख्या प्राप्त कर ली 10 करोड़ के लगभग हम हो गए, तब हमको दूसरा कार्य मिला कार्यकर्ताओं को कि आप जिनको हमने सदस्य बनाया वापस उनके पास जाइए,
उनसे वापस एक नंबर डायल कराइए ताकि उनकी सदस्यता की पुष्टि हो जाए। तो हाईटेक को अपनाया पर जीवित संपर्क, संवाद, सतत लोगों के बीच में जाना, ये क्रम में कहीं हमने अवरोध नहीं आने दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का वैशिष्ट है कि हम जो नवीन है उसको अंगीकार करते हैं, अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, और जो हमारा पुरातन है, जो सनातन है, जो जड़े भारतीय जनता पार्टी की जनता जनार्दन के बीच में है, उनसे हम लोग बिलग नहीं होते। हम दोनों के बीच में एक तालमेल और समन्वय में विश्वास करते हैं। कुछ एक बात है, चलिए ये तो हुई भारतीय जनता पार्टी की बात, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, और चाहे बात देश की कर लें या प्रदेश की कर लें, दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता श्री नरेंद्र सलूजा जी भी हैं। नरेंद्र जी, कांग्रेस कहाँ पर अव्वल है, कहाँ पर बाजी मार रही है, और सोशल मीडिया की इस दुनिया में कौन सा राजनीतिक दल आपको बहुत सक्रिय नजर आता है और इसके कौन कौन से फायदे कांग्रेस ने उठा लिए हैं? मैं जी आपके चैनल के माध्यम से मैं सच्चाई स्वीकारने में जरा भी परहेज नहीं करूंगा जी 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 कि हम सोशल मीडिया के मामले में शुरुआती दौर में पिछड़े हैं। जी जी, शुरुआती दौर की यदि बात करें तो हमारी यूपीए 1 और यूपीए 2 की जो गवर्नमेंट थी, जिसने बहुत अच्छी योजनाएं, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के जो मैनेजमेंट की टीम थी जो गुजरात से संचालित होती थी, कहीं ना कहीं जनता में भ्रम फैलाने में कामयाब रही, जनता में हमारी योजनाओं का कुप्रचार करा, दुष्प्रचार करा, और कहीं ना कहीं जो झूठ परोसा जी, उसकी बदौलत वो केंद्र में काबिज हुए, ऐसा मानते हैं। हम उस दौर में पिछड़े थे, लेकिन जैसे ही हमें समझ में आया कि आज का दौर जो है वो हाईटेक दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप देखें फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप के जरिए हमको देश भर की सूचना तुरंत मिल जाती है। पहले हमें इंतजार करना पड़ता था, दूसरे दिन प्रातः समाचार पत्र छप के आएगा या हम टीवी के सामने बैठेंगे, न्यूज देखेंगे, 8 बजे बुलेटिन आएगा, तभी जानकारी मिल जा पाती थी। लेकिन अभी हाथों हाथ उसी सेकंड में पूरे विश्व भर की घटनाओं की हमें जानकारी मिल जाती है। इस दौर में हम पिछड़े, जिस प्रकार से लगातार केंद्र में जब चुनाव हुए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अव्वल रही, लेकिन सोशल मीडिया के दो पहलू, एक पहलू है कि आप जनहित की योजनाएं या आपकी पार्टी की योजनाएं आपके कामों को बताओ, लेकिन दूसरा पहलू आप भ्रम फैलाओ, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। जिस तरह से भ्रम फैलाया गया, जिस तरह से चीन की सीमा विवाद हो या पाकिस्तान की सीमा विवाद हो या सैनिकों पर हमले का विवाद हो या काले धन का मामला हो, जिस तरह से दुष्प्रचार एक पूरी टीम और एक गिरोह बना के किया गया, उसके अंदर कांग्रेस पिछड़ी, और जिसका नतीजा कि केंद्र में भाजपा भले उमेश शर्मा जी कुछ भी बने, लेकिन मैं तो केंद्र की मोदी सरकार को देनी सोशल मीडिया की मानता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार कर और अपनी बड़ी बड़ी बातें झूठ परोस कर सरकार बने। आज देखे वो सारे सच सामने आ रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पूर्व वीडियो देखा होगा कि किस प्रकार जब पाकिस्तान से विवाद हुआ था, अभी आतंकवादी हमला हुआ गुरदासपुर में, तो किस प्रकार एक टीवी चैनल पे नरेंद्र मोदी ने किस तरह की मनमोहन सिंह को लेकर बड़ी बड़ी बातें करी और किस तरह से करा, किस प्रकार चिट्ठी लिखते हैं कि सरकार पाकिस्तान में घुस के नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, किस प्रकार वो प्रणब मुखर्जी आज के वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति उस समय के मंत्री थे उनके बारे में रोज चिट्ठियां लिख देते हैं, तो सच जो है धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। जिस प्रकार काले धन की बात करी थी, 15-15 लाख अकाउंट की बात करी थी, तो सोशल मीडिया के दो पहलू हैं। जनता में निश्चित तौर पर सोशल मीडिया का उपयोग होना चाहिए राजनीतिक दलों को, लेकिन अच्छी बातों में करना चाहिए, झूठ परोसने के लिए नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ समय पूर्व सोशल मीडिया पे यदि आप कोई भी अभिव्यक्ति की बात करें तो 66(1) के तहत अपराध माना जाता था। आपको ध्यान होगा बॉम्बे का बाला साहब ठाकरे जी का निधन हुआ, तो एक लड़की ने विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी, उसी दिन अपराध कायम होकर उन्हें जेल हो गई। बिल्कुल, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो नियम आया, लेकिन आज भी उस नियम के अंदर ये क्लास जरूर है कि आप कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली बात या राष्ट्रद्रोह की बात अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जरूर मिली, इसका हमें उपयोग करना चाहिए, इसका उपयोग समाज में अच्छी बातें फैलाने के लिए करना चाहिए, ना कि समाज में विध्वंस फैलाने के लिए और झूठ परोसने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी जिसमें माहिर है और लगातार झूठ फैलाए, जो झूठ एक वर्ष के अंदर ही दिन ब दिन सामने आ रहा है और जनता को पता चल रहा है कि किस प्रकार कांग्रेस की सरकार सिर्फ काम करती थी, सोशल मीडिया पर कोई दुष्प्रचार नहीं करती थी, अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाई, जिसका फायदा भाजपा ने उठाया और आज केंद्र में काबिज हो गए। उमेश जी, क्या भाजपा दुरुपयोग कर रही है? एक मध्य प्रदेश की दृष्टि से बात करना चाहूंगा कि व्यापम जो घोटाला है आज विकिपीडिया में 17वें नंबर पर है, विकिपीडिया में पूरा मध्य प्रदेश का घोटाला 17वें नंबर पर, तो कहीं ना कहीं जनहित के जो मुद्दे हैं या घोटाले हैं या जो योजना है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया उस पर बहुत प्रभाव डालता है। सोशल मीडिया एक बात करने का सशक्त माध्यम है। जी जी, क्या भाजपा दुरुपयोग कर रही है उमेश जी, जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया है, आपका क्या मानना है, क्या भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है इस हथियार का? मुझे लग रहा है कि नरेंद्र जी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का या तो आशय समझ में नहीं पाए
और या जानबूझ के आशय समझने के बावजूद भी वो अपना प्रलाप उन्होंने जारी रखा। भारतीय जनता पार्टी को ना तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने की आवश्यकता है, ना किसी पे गलत आक्षेप लगाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ अर्जित किया है, कांग्रेस का तो अपना बड़ा लंबा इतिहास है। कांग्रेस तो 100-150-200 वर्ष पुरानी पार्टी है, बहुत लंबे समय से देश में काम कर रही है, अपने आप को आजादी का पहरुआ बताती, आजादी लाने की ठेकेदारी लेती है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म तो बहुत बाद में हुआ, स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई, जनसंघ का गठन हुआ। हमने बहुत छोटे कालखंड में जिस प्रकार से जनता का विश्वास अर्जित कराए, जिस प्रामाणिकता और शुद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम कराए, और हमने एक समय हमारे पास लोकसभा में केवल 2 सीट थी। आज अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार स्पष्ट बहुमत लेकर है तो इसका मतलब केवल यह नहीं कि सोशल साइट्स के कारण ऐसा हुआ, या हमने बहुत सारा भ्रम पैदा कर दिया, या हमने मनमोहन सिंह जी पर, या हमने माननीय सोनिया गांधी जी पर, या हमने माननीय राहुल गांधी जी पर कोई गलत दोषारोपण कर दिए। ये तो सत्य है जो जनता ने देखा, जनता ने परखा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और रही बात हमारे द्वारा चुनाव में कही गई अपने वादों की, कोई भी राजनीतिक दल है उसकी अपनी प्राथमिकताएं होती है, उसके अपने संकल्प होते हैं, हमने अपने संकल्प अभिव्यक्त करे। और अभी जुम्मे जुम्मे हमारी सरकार को चले हुए साल सवा साल नहीं हुआ है, इतनी जल्दी उसका विश्लेषण कर लेना मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दबाजी होगी। और इस आरोप को मैं सिरे से नकारता हूं, हमको ना तो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी पर आरोप लगाने की आवश्यकता है। हमारी जो राजनीतिक चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, उसमें आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति को कोई स्थान नहीं है। हम लोग अपनी सकारात्मकता को लेकर बात करते, यह स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वैचारिक युद्ध है। वैचारिक युद्ध में अगर हम आपकी कमजोरियों को उजागर करते हैं, हम बताते हैं कि आपके पेट के नीचे या आपके नाभि के नीचे का स्थान कमजोर है, जहां पर प्रहार किया जा सकता है, और हमने वो प्रहार किया, और वो प्रहार अनावश्यक नहीं था, वो प्रहार असत्य नहीं था। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने या संगठन ने या पूरक इकाई ने अगर कोई प्रहार कराया तो उसके पीछे सच्चाई थी, और जनता ने उस सच्चाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कराए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का विश्लेषण करने के लिए जनता जनार्दन के सामने हमने खुली किताब की तरह रखा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा जारी है। और सोशल साइट्स, जैसा आपने पहले भी पूछा था, मैं एक बार और दोहरा दूं कि सोशल साइट्स है या सोशल मीडिया है या व्हाट्सएप है या ट्विटर है या जो और भी तरीके हैं, इन सब तरीकों पर हम आश्रित नहीं है, हम इनका उपयोग करते हैं। एक बात होती है उपयोग करना और एक बात होती है आश्रित होना। तो हम आश्रित नहीं है, ना हम पहले दौर में आश्रित थे, और हम इन सब चीजों को दौर की तरह लेते नहीं है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि हम पहले दौर में पिछड़ गए, तो इसमें दौर क्या है, ये तो युग है, परिवर्तनकारी होता है। महेंद्र जी, एक समय कबूतरों से संदेश भेजे जाते थे, फिर चिट्ठीबाजी भेजे जाने लगी, अब आजकल तो ड्रोन का जमाना है साहब, बहुत आगे युग पहुंच गया, इसलिए ये दौर और की बात नहीं। जैसा जब जो आता चले जाए तब उसको वैसा स्वीकार करते चलो। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कबीर की राजनीति है, हम लोग बहुत फक्कड़ शैली में जीवन जीने वाले, सच के साथ, खरेपन के साथ, शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ, इसलिए हम कहीं आश्रित नहीं होते हैं। हमारा जो आश्रय स्थल है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कठोर परिश्रम है, और हमारी जो आशा की किरण है वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति। ठीक बात है। चलिए, यहाँ पर कुल मिलाकर आकलन के लिए केवल इतना है कि बात चाहे कांग्रेस पार्टी की करें या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ही राजनीतिक दल सोशल मीडिया की ताकत को यहाँ पर स्वीकार करते हैं। बात उपयोग की हो या दुरुपयोग की, इसका फैसला को जो है खुद जनता को करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि राजनेताओं ने शुरुआत कर दी है इस नए दौर की राजनीति की। पत्रकारिता की नजर क्या कहती है, पीयूष आपका क्या आकलन है, जिस तरह से लगातार मैदानी रिपोर्टिंग की अगर बात की जाए तो कांग्रेस कहां पर पिछड़ती दिखाई देती है, क्या कांग्रेस को हाईटेक तरीके से प्रचार करना नहीं आता, या ये कहा जाए कि केंद्र की मोदी सरकार इस प्रचार के मामले में बहुत आगे निकल चुकी है, इसके चलते भी कांग्रेस को बहुत अभी रेस में पीछे देखा जा रहा है। बिल्कुल, सोशल मीडिया को जिस तरह से मोदी सरकार ने अपनाया है वो कहीं ना कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से 2014 में सरकार बनी है, भारी बहुमत से जो है वो यहाँ पर लोकसभा में जो है वो बीजेपी ने दस्तक दी थी,
अगर उस पर उसके पीछे की कहानी पर नजर डालें तो वाकई में सोशल मीडिया को जिस तरह से बीजेपी ने अपनाया और ना सिर्फ उसका उपयोग किया बल्कि उसके जो है वो रिजल्ट्स जो है परिणाम वो भी यहाँ पर सबके सामने है। कांग्रेस की बात जहां तक कही जा रही है तो खुद उनके प्रवक्ता ये कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले में कांग्रेस जो है उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। मैं इसमें एक बात और सामने यहाँ पर नजर आती है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का से जो है वो संवाद का तरीका आसान जरूर हुआ है लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने और राजनेताओं ने इसे कहीं ना कहीं जो है वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का हथियार बना लिया है। अगर हम लोग ताजा अगर बात करें तो जिस तरह से जो है वो आतंकवादी याकूब मेमन को जो फांसी दी गई है उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया पर राजनेताओं के पेज पर नजर मारे अगर ट्विटर की बात करें या फिर फेसबुक जैसे अकाउंट्स की बात करें तो तमाम जो राजनेता है जो सक्रिय नजर आते हैं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों या फिर कांग्रेस से या फिर किसी और दल से फिर तमाम लोगों की उन लोगों की टिप्पणी है और कहीं ना कहीं फांसी के मुद्दे को लेकर वो जो है वो एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जिस तरह से यहाँ पर चलन बढ़ा है लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग यहाँ पर ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है और जिस तरह से उस चीज का उपयोग होना चाहिए उसके बजाय जो है वो राजनेता एक दूसरे पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को जो है वो अब दरकिनार करने की जरूरत है और अगर संवाद का तरीका जो है वो अगर आसान हुआ है तो उसे कहीं ना कहीं जनता के लिए और जनता के हित में प्रयोग करना चाहिए बल्कि बजाय इसके जो है वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के। बिल्कुल ठीक बात है, क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी लिहाजा देश में होने वाली हर घटना पर उसका सीधा असर सोशल मीडिया के जरिए देखा सुना जा सकता है। बहरहाल ताजा मामले की अगर बात करें तो मुंबई ब्लास्ट के आरोपी कहा जाए आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी को लेकर जो हल्ला पूरे देश में मचा उसका कहीं ना कहीं असर उसका कुछ अंश सोशल मीडिया पर भी दिखाई दिया। जी हाँ, जिस तरह से राजनेताओं ने टीका टिप्पणी करी, बात चाहे कांग्रेस के नेता शशि थरूर की कर लें या आप कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह की करें या बात अन्य भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की करें, तमाम बड़े राजनेताओं ने ट्विटर के जरिए अपनी तीखी प्रतिक्रिया इस मसले पर दी। कहा इंसानियत का सवाल उठा कहीं पर सीधे तौर पर, इस पूरे मामले का कहा जाए परत दर परत वो दर्द एक बार फिर छलका और सोशल मीडिया के जो तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर शब्दों की बड़ी बड़ी पंक्तियां यहां पर गढ़ी गई। किस तरह से हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान मौजूद हैं कांग्रेस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, वो कैसी संवेदनशीलता रखते हैं इस तरह के बड़े मामलों पर, जरा उनकी भी राय ले लेते हैं। कांग्रेस से पहले शुरुआत करते हैं, नरेंद्र सलूजा जी आपका क्या मानना है इस तरह के बड़े संवेदनशील मसले पर जो सीधे सीधे राष्ट्रहित से जुड़ा है, देश के आरोपी को फांसी की सजा से जुड़ा है, ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या वाकई में ऐसे मसलों पर भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देना बहुत लाजमी माना जाएगा? तो पहले तो मैं उमेश शर्मा जी की बात को पुरानी बात का एक तरह से कर दूं कि शायद लगता है इनमें जानकारी का अभाव है, लेकिन पीयूष पारे जी ने मेरी बात का समर्थन कर दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार यदि काबिज हुई है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ही बड़ा योगदान है। वो पीयूष पारे जी ने मेरी बात का समर्थन कर दिया, उपयोग किया, लेकिन उमेश शर्मा जी ने तो साफ खंडन कर दिया कि हम इस पे आश्रित ही नहीं है, शायद जानकारी का अभाव है। कहा कि आश्रित नहीं है, उपयोग करते हैं, उपयोग और आश्रित में अंतर। भारतीय जनता पार्टी 2013-14 के अंदर भी केंद्र में काबिज हुई तो उसमें सबसे अहम रोल सोशल मीडिया के दुष्प्रचार का ही है। दूसरी बात, आपकी बात याकूब मेनन वाली बात पे करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे याकूब मेनन एक देशद्रोही कृत्य किया है। 1993 के बम ब्लास्ट की बात की जाए, उन्हें फांसी की सजा निश्चित आवश्यक रूप से मिलना चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से इसे संवेदनशील मुद्दों पे जो जनप्रतिनिधियों के या राजनीतिक दल के लोगों की प्रतिक्रिया है, निश्चित तौर पे मैं इसके खिलाफ हूँ। इसे संवेदनशील मसलों पे जिससे देश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो सकता है, राजनीतिक दल के लोगों को जनप्रतिनिधियों को किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। अब इसका दुष्प्रचार भी खूब होता है और भ्रम भी फैलाया जाता है, जैसे याकूब मेनन के पक्ष में जिन 40 लोगों ने हस्ताक्षर करके उसकी फांसी पर रोक लगाने की मांग करी उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह जी का नाम भी उस सूची में शामिल करवा दिया। अब दिग्विजय सिंह जी स्वयं इस बात का खंडन कर चुके हैं कि कहीं भी वो याकूब मेनन की फांसी के पक्ष में नहीं, विरोध में नहीं है। वे चाहते हैं कि इस देशद्रोही को जैसे अफजल गुरु को फांसी हुई वैसी कसाब कोई वैसी याकूब मेनन को मिलना चाहिए, लेकिन भ्रम फैलाने का माध्यम हो गया याकूब मेनन की फांसी के विरोध में दिग्विजय सिंह, ऐसा भ्रम दिग्विजय सिंह जी का नाम सूची में डालकर फैलाया गया। तो कहीं ना कहीं अब शशि थरूर का बयान हो, अब ये नाम किसने डाला सूची में, अब ये तो सब मैं बता रहा हूँ, एक गैंग भारतीय जनता पार्टी की गुजरात से संचालित एक गिरोह चलता है जो मैनेजमेंट जो लगातार कांग्रेस के खिलाफ, आप घोटालों की बात करें या जुमलों की बात करें, जिस प्रकार से कांग्रेस को बदनाम करने का काम सोशल मीडिया से, एक मैनेजमेंट गिरोह है पूरा
जो गुजरात से संचालित होता है, गुजरात के कई जिलों से संचालित होता है, जिसके हमारे पास प्रमाण भी है, वो गिरोह कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ झूठा भ्रम फैलाता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ईएनकेएन किसी भी झूठे मामले में फंसाकर सोशल मीडिया में दुष्प्रचार करता है। लेकिन जनता के बीच में उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है और जिस प्रकार से लगातार पुराने वीडियो, पुराने भाषण जो नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के नाम दिए हैं, काले धन से लेके पाकिस्तान की सीमा से लेके चीन की सीमा से लेके जो जो बातें कही जो मोनी बाबा मनमोहन सिंह को करते थे, अब वो कुछ संसद में वसुंधरा राजे व्यापम घोटाले सब पे चुप है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से झूठी बात उनकी सब सच सामने आता जा रहा है और जो 2014 में उन्होंने झूठ बोल के फतेह हासिल करी उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इनकी इन्हीं की पार्टी से जुड़े वेद प्रकाश वैदिक स्वयं बोल चुके हैं कि मैंने कई प्रधानमंत्रियों का ग्राफ गिरते देखा है, लेकिन इतनी जल्दी यदि किसी देश में प्रधानमंत्री का ग्राफ गिरा तो वो एक मोदी है, इतनी जल्दी उनका ग्राफ गिरा क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो झूठ उन्होंने परोसा था उसका सच सामने आता जा रहा है। याकूब मेनन वाली बात करें तो निश्चित तौर पर याकूब मेनन वाला एक संवेदनशील मसला है, इसके अंदर कहीं ना कहीं बचना चाहिए किसी भी टिप्पणी करने से। आप देखेंगे अभी व्यापम घोटाले की बात करें तो व्यापम घोटाले के अंदर एक सोशल मीडिया पे एक संदेश चला प्रदेश के डीजीपी के नाम से कि डीजीपी ने सर्कुलर जारी करा कि कोई भी शिवराज सिंह की छवि बिगाड़ेगा तो उसके ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, जबकि डीजीपी ने स्वयं इस बात का खंडन किया कि इस तरह का कोई सर्कुलर उन्होंने जारी किया। तो कहीं ना कहीं झूठ भी परोसा जाता है, भ्रम भी फैलाया जाता है, तो इस तरह की बातों से सोशल मीडिया की विश्वसनीयता खत्म होती है। इस पर जरूर रोकथाम लगना चाहिए और अभिव्यक्ति की आजादी तो मिलना चाहिए, लेकिन जो झूठ परोस रहे हैं या संवेदनशील मसले होते हैं जो देश हित से जुड़े हुए मसले उसके ऊपर कहीं ना कहीं बोलने पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सद्भाव से लेकर देश का माहौल बिगाड़ने का और राष्ट्रद्रोह का काम ये अभिव्यक्ति की आजादी इसके माध्यम से, इस अधिकार के माध्यम से कुछ लोग करते हैं। चलिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता उमेश शर्मा जी भी हैं। उमेश जी क्या मानते हैं, शशि थरूर ने आज ही ट्वीट के जरिए मानवता का एक सवाल उठाया है याकूब मेमन की फांसी के बाद, ऐसे में क्या राजनेताओं को बचना चाहिए? और बात अगर जिस तरह से हमने कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी ने कही है कि संवेदनशील मसलों पर कहीं ना कहीं दस्तक कम होना चाहिए सोशल मीडिया पर, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं नरेंद्र भैया की एक बात का जवाब दे दूं, हालांकि वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है। नरेंद्र भैया बार बार इस बातचीत की शुरुआत से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है। तो नरेंद्र भैया आखिर ये मुन्नी इतनी बदनाम हो क्यों रही है? हा? मुन्नी बदनाम हो और गली मोहल्ले के लोगों पे नाम आए कि मुन्नी जो बदनाम हो रही है उसमें मोहल्ले वालों का नाम है, इसमें मुन्नी को कैरेक्टर सुधारने की आवश्यकता है, मोहल्ले वालों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, है ना? बार बार ये मुन्नी बदनाम हो या ये बार बार ये आरोप, एक बात। दूसरी बात ये महन भाई, सोशल साइट पे याकूब मेमन की फांसी का विषय हो या दूसरे विषय हो, इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया आना चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूं। अगर ये हिंदुस्तान एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान को सलाम करने के लिए सोशल साइट्सों पे अपने विचारों को भर देता है तो याकूब मेमन जैसे गद्दार मुसलमान के खिलाफ भी भरा जाना चाहिए। और रही शशि थरूर जी की बात करें, टोक रहा हूं, याकूब मेमन एक आतंकवादी है, उसकी जाति पे बात नहीं की जाए, आतंकवादियों के आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती। नरेंद्र भैया आपको टोक रहा हूँ, नरेंद्र भैया आपकी जाति मत बताए मुसलमान, नरेंद्र भैया है, अरे है यार 80% आतंकवादी, 80% आतंकवादी एक ही मजहब का है, 80 तुम्हारे जैसे सहिष्णु लोगों ने भारत का भट्टा बिगाड़ के रख दिया, 80% लोग सरकार ने अफजल गुरु और प्रताप को फांसी दी, बस फिर बगैर जाति धर्म देखे आपकी सरकार 80% लोग 80% आतंकवादी, 80% आतंकवादी वहीं से आए, 80% मैं आप मेरी बात को दूसरे अर्थों में ले रहे, मैं बात दूसरे नहीं जाति कोट नहीं करूँ, कोई जाति आप पूरी तरह से बात को सुनो, गद्दार है देशद्रोही बस उसकी यही जाति, आप पूरी तरह से बात को सुनो प्रभु, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, आप शीघ्रता से उसके बीच में मत पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि याकूब मेमन जैसे लोग हैं इनके बारे में प्रतिक्रिया होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, और जो लोग इनके पक्ष में खड़े हैं मैं इस बात के पछड़े में नहीं पछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी का नाम शामिल करा गया कि वो शामिल थे या नहीं थे, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि वो शामिल नहीं थे, तो इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि वो शामिल थे, वो शामिल नहीं और ये ये ये, ये भारतीय जनता पार्टी और लेकर हर बात में भारतीय जनता पार्टी का नाम कि दिग्विजय सिंह जी ने शादी कर ली साहब, तो भारतीय जनता पार्टी के पंडितों ने उकसाया कि दिग्विजय सिंह जी आप अमृता जी से बुढ़ापो नहीं शादी नहीं, इसलिए ये कोई नाम नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी
पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये आज की बहस का विषय नहीं है नरेंद्र भैया, आज की बहस का विषय है सोशल साइंस। इसमें आप दिग्विजय सिंह जी को मत लाओ। मूल जो प्रश्न आपने करा के दुरुपयोग की बात करी, मूल प्रश्न दुरुपयोग, मूल प्रश्न का उत्तर, डीजीपी के बयान की भी बात करी, ये सब डाले जाते। अरे कल भाई साहब पे आ गया व्हाइट हाउस का झंडा, आधा झुक गया, ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने डाला? कभी आ जाता है कि फलाने एसएमएस को आप 5 जगह आगे बढ़ाओ, ग्रुप में इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये क्या दुरुपयोग जो है उस दुरुपयोग पे रोक लगाने की आवश्यकता है। मूल प्रश्न से हम भटक रहे। मूल प्रश्न ये था महेंद्र जी आपका कि याकूब मेनन के बारे में संवेदनशील विषय पर क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? होना चाहिए जबरदस्त, होना चाहिए आक्रामक, होना चाहिए इस तरह की, होना चाहिए कि इस प्रकार के जो देशद्रोही लोग है वे आगे से इस प्रकार की हिमाकत और हिम्मत नहीं कर पाए। और बात रही शशि थरूर, कानून ने अपना काम किया, कानून ने कानून कानून ने अपना काम करा है, आप कानून ने पढ़ते एक एक होना चाहिए, बिल्कुल हुआ, कानून ने अपना काम करा, कानून ने अपना काम करा, भारतीय जनता बिल्कुल हर विषय पे होना चाहिए, हिंदुस्तान के हर विषय पे होना चाहिए। और जो राष्ट्रवादी कार्य किए गए उन पर तो बहुत गौरव अभिमान के साथ होना चाहिए, उन पर तो आवश्यकता और प्राथमिकता से होना चाहिए। याकूब मेनन और मालेगांव को राष्ट्रवादी काम, राष्ट्रवादी काम इसलिए नहीं मान, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो बम ब्लास्टवाद और राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी तत्वों को, निरपराध तत्वों को उसमें फंसाया गया है, उनके विरुद्ध आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए, दोस्त बेगुनाह मरे हैं उनके बारे में क्या कहना है, जो मारे गए उनके साथ संवेदना, मारे गए उनके साथ संवेदना, ये प्रमाणित नहीं है कि मारा किन्ने है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं जो भारत माता का गौरव गान करते हैं, किसने मारा, तो इस विषय पे बहस होना चाहिए। ये बहस का गला यूपीए सरकार ने घोटा, प्रज्ञा ठाकुर पर बहस की जानी चाहिए थी, मालेगांव विस्फोट पर बहस की जानी चाहिए थी, प्रज्ञा ठाकुर जैसी संत और साध्वी महिला को जेल के अंदर यातनाएं देके सताया गया, इस बात पर जवाब मांगा जाना चाहिए यूपीए सरकार से, बगैर साक्ष्य के निरपराध आज तक दोष सिद्ध हो पाया क्या? मालेगांव में जो लोग मारे गए उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, जिनके साथ विस्फोट में त्रासदी हुई उनके साथ हमारी संवेदनाएं, पर प्रज्ञा ठाकुर के साथ जो अनीति और अन्याय किया गया उसके विरुद्ध हमारा आक्रोश है, और वो किसी भी फोरम किसी भी मंच पे हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। महेंद्र जी एक विषय जो आपने कहा था शशि थरूर वाला, शशि थरूर जैसे लोग जब मुंह खोलते हैं ना यदा कदा कभी अच्छी बातें निकलती हैं। अभी शायद मैंने किसी सोशल साइट्स पे देखा था, कहीं बाहर गए थे वो ब्रिटेन के अंदर और बहुत सकारात्मक बातें करके आए हैं, और मैंने भी की वो पढ़ने के बाद। ओवैसी का एक मैंने पाकिस्तान का किसी व्हाट्सएप या फेसबुक पे देखा था, मैंने उसकी तारीफ की, अक्सर नहीं करता उसके देशद्रोह की, पर शशि थरूर जी ने जो आज बयान दिया है, ऐसे बयान देने वाले लोगों के मुंह में अंगारे भर के बंद किया जाना चाहिए, इस देश की आवश्यकता। एक सवाल मेरा उमेश शर्मा जी, आपने जो शशि थरूर की बात करी, याकूब मेनन की फांसी पे रोक लगाने वाले जिन लोगों ने साइन करी उसमें शत्रुघ्न सिन्हा की भर्त्सना, उसकी भी भर्त्सना, दोनों के बारे में भी बोल, उनकी भर्त्सना, 40 मुंह में अंगारे भरना चाहिए, 40 में से सिन्हा राम जेठमलानी क्या भरना चाहिए, 40 में से 4 इंच की भी रियायत नहीं, निकाल दो पार्टी से बाहर, 40 में से पार्टी का सांसद निकाल दो बाहर, करेंगे पार्टी का एक आंतरिक लोकतंत्र, देशद्रोह कर रहा है, और पार्टी का एक आंतरिक लोकतंत्र है, घोषणा करवाओ, पार्टी का एक आंतरिक लोकतंत्र है, यहाँ कांग्रेस जैसा सिस्टम नहीं है, कांग्रेस मलानी को बाहर करो, कांग्रेस जैसा सिस्टम नहीं है कि सीताराम केसरी की धोती को मंच पर खड़ा होकर न्याय हो जाए, ये नहीं है आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी जवाब मांगेगी, पार्टी जवाब मांगेगी, पार्टी पार्टी, अरे आपसे समय लेने की आवश्यकता क्या है, आपसे पार्टी फोरम पे बात की जाएगी, आंतरिक लोकतंत्र बात करेंगे, इसके बारे में आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवादी का दोस्त है, ये भटकल का दोस्त है साबिर अली, नरेंद्र भाई देखते हुए उसी को पार्टी में शामिल कर लिया, वही नरेंद्र भाई पीडीपी के साथ आपका हाथ मिलाया, आपका दोहरा चरित्र है, उसी पीडीपी के साथ आपने हाथ मिलाया जो अलगाववादियों को जम्मू कश्मीर के विषय में बहुत लंबा दृष्टिकोण के काम किया जा रहा है, आपके दो रवैये, कोई दो रवैया नहीं, क्या है मुख्तार आपकी अपनी भड़ास है, मुख्तार ये पार्टी का दोस्त, पार्टी का आंतरिक
लोकतंत्र है, पार्टी का अपना विषय है, पार्टी इसमें विचार करेगी। जम्मू कश्मीर के विषय में पीडीपी के साथ सरकार, और आज तक आप कश्मीर में जो चलिए चलिए, राजनीति में बहुत आरोप प्रत्यारोप तो हम वैसे ही देख लेते हैं, बहुत सारे आरोप आपके सुन भी लेते हैं टीवी कैमरों के जरिए, मीडिया के कैमरों के जरिए, लेकिन अभी बात है क्या संवेदनशील मसलों पर जरूरी है। बात यहां पर रुकी थी, कांग्रेस ने कहा ये गैर जरूरी है, इतनी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है खुल के बहस होना चाहिए। सारे संवेदनशील मुद्दों पे क्या न्यायपालिका के पर सवाल उठाना, नहीं न्यायपालिका पे नहीं, क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेताओं में अगर हम लोग अगर बात करें तो ट्विटर पर जो है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यहाँ पर न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत नजर आता, उसे लेकर क्या यहाँ पर जो है रुख अपनाना चाहिए, क्या दोनों में सवाल है। पीयूष जी दो विषय हो गए हैं, एक विषय का एक पूरक प्रश्न खड़ा हो गया है। मूल विषय महेंद्र जी आपने रखा है, जो मूल विषय है कि क्या इस प्रकार के संवेदनशील विषयों पर ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल साइट पे जाकर प्रतिक्रिया देना चाहिए, बहस की जानी चाहिए। तो मेरा उत्तर है कि हाँ, की जानी चाहिए, प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। पीयूष जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया कि प्रतिक्रिया का स्वरूप क्या हो, तो प्रतिक्रिया को मर्यादित होना चाहिए। जो संवैधानिक व्यवस्था भारत की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत की न्याय प्रणाली है, उस न्याय प्रणाली पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि भारत केवल एकमात्र देश ऐसा है जिसने याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को भी अपना पक्ष रखने का अंतिम समय तक अवसर दिया, और अंतिम समय भी कैसे कि सर्वोच्च न्यायालय आधी रात को बैठा, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ आधी रात को बैठी। तो मुझे लगता है कि जितनी संवैधानिक स्वतंत्रता भारत में है, और देशद्रोही को भी यह स्वतंत्रता प्राप्त है, तो मुझे लगता है कि इस संवैधानिक व्यवस्था का, इस न्याय प्रणाली का स्तुत्य गान होना चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए। लोगों ने फांसी का विरोध किया। सलू जी, आपसे सवाल था क्योंकि दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर यही कहा है कि न्यायपालिका की साख जो है वो विश्वसनीयता जो है वो साख जो है उसकी दाव पर है, और वही कहीं ना कहीं शशि थरूर ने भी कहीं ना कहीं मानवता का सवाल उठाया जी, उस फैसले को कहीं ना कहीं गलत ठहरा है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इन पार्टी के बड़े दो नेताओं के ट्विटर के बयान पर? देखो, कांग्रेस पार्टी शुरू से पक्षधर रही कि देशद्रोही को सजा मिलना चाहिए, उसका हमने हमारी सरकार के समय चाहे अफजल गुरु हो चाहे कसाब हो, दोनों को फांसी देके हमारा संदेश हमने जनता के बीच में बता दिया। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी देशद्रोही आतंकवादी की पक्षधर नहीं। जहां तक दिग्विजय सिंह जी का, स्वयं मुझे बयान मेरे व्हाट्सएप पे मिला है, उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकारा कि कहीं भी उन्होंने याकूब मेनन की फांसी का विरोध नहीं किया गया, कहीं किया, भ्रम फैलाया जा रहा है उनका नाम उस सूची में शामिल करके। क्या याकूब मेनन को फांसी देने के पक्ष में थे, याकूब मेनन को देशद्रोही माना उन्होंने। शशि थरूर की जहां तक बात आप पूछ रहे हैं, तो वो उनका निजी विचार हो सकता है, कांग्रेस पार्टी उससे सहमत नहीं। कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही है कि जिसने भी देशद्रोह का काम किया, वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मात्र जाति और धर्म के आधार पर उसे छूट नहीं मिलना चाहिए। यदि देशद्रोह का काम किया है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, बेगुनाह उसमें मारे गए, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सरूजा जी, एक सवाल यह भी है कि राजनेता जब जब कोई गलत बयान दे देते हैं या उनकी जब जब जुबान फिसल जाती है, तो राजनीतिक दल तुरंत उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण राजनीति के हलचलों के केंद्र में देखने सुनने को मिलते हैं। बात चाहे हम पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी की कर लें, जिनकी जुबान फिसल गई थी, श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री महोदय को दे दी, या बात हम प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कर लें, जिन्होंने कहा कि पत्रकार क्या होता है, हमसे बड़ा पत्रकार कौन, जो कि एक बहुत संवेदनशील मसला था। क्या ऐसे मसलों पर राजनीतिक दलों का पल्ला झाड़ना भी जरूरी है? आप इस पर क्या मानते हैं? देखो, राजनीतिक दल के लोग जो नेता होते हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं, और जब उनके बयानों से विवाद खड़ा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो मीडिया पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि हमने कहा, पूछता, तोड़ मरोड़ के पेश किया, हमारा आशय ये नहीं था, लेकिन जो सच्चाई रहती ना, वो उससे नकर जाते हैं। ये राजनीतिक लोगों की आदत सी हो गई। अब कैलाश वर्गीय की बात करें, अभी उन्होंने 2 दिन पूर्व बयान दिया कि सलमान तुम फिर कुत्ते जैसे भौंक दिए। तो एक राष्ट्रीय महासचिव जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हो, निश्चित तौर पे याकूब मेनन को फांसी होना चाहिए। उन्होंने राजद्रोह का काम किया, उनके पक्षधर किसी भी व्यक्ति को जो भी है उसको माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह की भाषा वापरना, इस तरह का बोलना तुम भी कुत्ते जैसे भौंक दिए, तो अरे 40 लोग जिन लोगों ने साइन करी उनके बारे में आपके क्या विचार है, और तुम भी तो पहले कितने उनके जैसे भौंक दिए। उमेश जी, आप बताइए इस पर क्या कहना है आपका, क्या मर्यादा का आवरण जो है वो टूट जाती है?
मर्यादित आचरण का तो राजनीतिक जीवन में सभी को ध्यान रखना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का पार्टी का व्यक्ति हो। रही कैलाश जी के बयान पर, जिस पर नरेंद्र जी उनको सलाह दे रहे हैं संयमित होने के, दो बात अलग है। 40 लोगों के हस्ताक्षर पर उन्होंने नहीं कहा था, रात को 2:30-4 बजे शराब के नशे में धुत होकर सलमान खान गाली चढ़ा दे लोगों के ऊपर, हिट एंड रन हो जाए, दूसरे दिन बोल दे कि मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, काले हिरणों का शिकार कर दे। आप नरेंद्र भैया जब आप बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, ये तो बहस का विषय बदल जाएगा फिर, या तो हम आपस में। लेकिन आपकी बात में जवाब जरूर दूंगा मैं, स्वागत है सर, इसीलिए बैठे, मैं आपकी स्वागत करूंगा आपके जवाब का, पर मुझे आप अपना पक्ष रखने दें, आप रखें, मैं शांतिपूर्वक सुनूंगा और मुझे लगेगा कि उत्तर देना आवश्यक है तो जिस समय आप अपनी बात समाप्त कर लेंगे तो मैं अनुमति लेके महन जी की आपका उत्तर दूंगा, है ना। तो आधी रात में शराब के नशे में धुतों के सुबह 3-4 बजे लौटे और लोगों पर गाड़ी चला दे, हिट एंड रन कर दे, वहां बर्दाश्त कर लिया जाए उनको, काले हिरणों का शिकार कर ले वहां पे नशे पत्ते में, वहां स्वीकार कर ले। रात को 2:30-3 बजे आप शराब के नशे में धुत होकर बैठते, अपना लैपटॉप लेकर बैठ गए और आप हिंदुस्तान को, पूरे भारत के संविधान को धता बताते हुए जो आपके मन में आ रहा है जैसा आ रहा है, ये कोई हीरोगिरी नहीं है। आप कंटिन्यू ट्विटर कर रहे, केवल एक ट्विटर नहीं कर रहे, ट्विटर फिर और लगातार ट्विटर करते चले जा रहे, और सुबह फिर आपके अब्बा हजूर आपको समझाते हैं सलीम साहब कि ये गड़बड़ हो गई है, इससे अपनी दुकानदारी बंद होगी, आपके हीरोगिरी पर फर्क पड़ेगा, आप अपना बयान वापस लेंगे। तो सलमान खान जैसी ऐसी हरकतों के विरुद्ध बोलने के लिए साहस की आवश्यकता है और ये साहस कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिखाया है, इसलिए मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। एक बात रही बात राजनेताओं की जुबान फसलने की, क्या होता है कि राजनेता जो है वो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, ठीक है ना, अनेकों बार ऐसा होता है कि निरंतर व्यस्तताएं होती है, पर फिर भी ये जुबान की जो फिसलन है इस पर नियंत्रण करना चाहिए। कई बार आवेश में, कई बार तेज में, कई बार अति उत्साह में इस प्रकार के बयान देने में आ जाते हैं, इनसे बचना चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूं। दूसरों का सम्मान रखकर हम उनकी आलोचना करें, उनके सम्मान का ध्यान रखें और उनकी जो आलोचना है उसको हम सकारात्मक ढंग से करें, तो मुझे लगता है कि सकारात्मक आलोचना सहने का साहस इस भारत की मिट्टी में है। हम लोग सकारात्मक आलोचना सहने की मानसिकता के लोग हैं, राजनीतिक भी हैं, चाहे कांग्रेस के मित्र हो या भारतीय जनता पार्टी को, अगर सकारात्मक रूप से आलोचना होती है तो वो उसको स्वीकार भी करते। आप देखें मीडिया के अंदर कार्टूनिस्ट होते हैं, बड़े तीखे कार्टून बनाते, लक्ष्मण शंकर जी जैसे लोग रहे, बड़े तीखे कार्टून बनाते थे, लोग उनके मजे लेते थे, आनंद करते थे, बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि उस आलोचना में एक सकारात्मकता होती थी, उसमें एक सोच होता था, उसमें सुधार का एक सुझाव होता था। तो इस प्रकार की आलोचनाएं तो स्तुति होती है, पर किसी के बारे में अगर हम कोई बात करते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उसमें प्रामाणिकता हो और सच्चाई हो। बिल्कुल, नरेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? दो बात, सलमान खान की इन्होंने बात करी कि रात को 2 बजे दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, हिट एंड रन में फंसे, मैं बोलना चाहता हूं इन्हीं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक रूप से उनके साथ मन साझा कर चुके हैं, एक बात। दूसरी बात, जब उन्हें सजा होना थी, उनका फैसला आना था, उसके फैसले के पूर्व जो एक दिन पूर्व उनके घर पे कई नेता गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े लीडर उनके घर पे उनको समर्थन देने गए। दूसरी बात, जिसको बता रहे हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं उनका आचरण ये, तो इनकी पार्टी के लोगों के कैसे उनके संबंध, ये बता दूं। दूसरी बात, कैलाश विजयवर्गीय के बयान को साहसिक बता रहे हैं सलमान खान वाला, तो ये भी बता दें कि अक्षय सिंह को लेकर जो उन्होंने साहसिक बयान दिया था उस बयान से वो कितना सहमत है, और वो भी उनका साहस है कि पत्रकार क्या होता है हमसे बड़ा है। अक्षय सिंह की मौत पर जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी करी, जिसको लेकर उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व ने डांटा, उसको भी आप साहसिक करार देते हैं क्या? इसमें भी आप जवाब दे दें। आपका विषय हो गया अक्षय सिंह जी वाला विषय जो है, महेन भैया बार बार ये विषय उठाए, स्वयं कैलाश विजयवर्गीय जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस विषय का निराकरण करा है ना। उस विषय को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तोड़ मरोड़ के रखा गया, पर उस विषय के समय जो परिस्थिति बनी हुई थी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने उस परिस्थिति को स्वयं स्पष्ट करा और मुझे लगता है कि पत्रकार जगत उनके उस बात से समाधान, जो उन्होंने उत्तर दिया था उससे समाधित हुआ है, समाधान प्राप्त हुआ है ना, इसलिए वो विषय समाप्त हुआ है। दूसरा विषय जो सलमान खान जी से प्रधानमंत्री जी के संबंध का है या भारतीय जनता पार्टी के और लोगों के संबंध का है ना, नरेंद्र जी बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन दुराचरण से भरा नहीं होता है, डाकुओं का भी नहीं होता है ना, डाकुओं का भी नहीं होता है। तो किसी व्यक्ति के जीवन का जो उज्जवल पक्ष है वहां हम सकारात्मकता के साथ खड़े। तो भाई संक्रांति के दिन अगर पतंग उड़ रही है और सलमान खान सद्भावना के साथ पतंग उड़ाने आ रहा है तो कोई बुराई नहीं है, दोषियों तो दूर करो, काहे को ऐसा होता, ऐसा नहीं है।
हमारा जो हमारी जो समाज जीवन की रचना है वो समाज जीवन की रचना में क्षम्यता है, अपराधियों को भी क्षमा किया जाता है। अंगुली अंगुली माल टकेत भी है ना, वो रामायण की रचना कर देता है। नहीं नहीं, ये यू टर्न नहीं है, ये समाज जीवन की सोच एक सकारात्मकता है। किसी व्यक्ति के बारे में, अरे बहुत सारी बातें, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, आज सोशल साइड का विषय नहीं। तो दिग्विजय सिंह जी के जैसे आप साबिर अली को रटा रहे, ऐसे रटा रहे ना, मैं 1000 वक्तव्य माननीय दिग्विजय सिंह जी के बता दूंगा, जो उन्होंने बटाला हाउस में दिए थे, जो उन्होंने एसटीएफ के चीफ के मारे जाने पे दिए थे, बहुत सारी बातें। वो आज का विषय नहीं है नरेंद्र जी, किसी समय उस समय उस पर बात करेंगे, ये है ना, मैं इसलिए उन पे जाना नहीं चाहता। बात सोशल साइड, नरेंद्र मोदी और रामदेव को लेके भी दिए थे बहुत सारे बयान, अरे उन्होंने तो देश को भी ढूंढ के वही लाए थे। अरे दिग्विजय सिंह जी का देश को बहुत बड़ा योगदान है, 68 साल की उम्र में भी उन्होंने देश को जो कुछ दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके 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 योगदान बहुत सारे, बहुत सर्वोच्च। नरेंद्र जी मोदी जैसी तपस्या करने में युग लगते हैं, ये तपश्चर्या का विषय है। भोग और योग के अंतर को जिस दिन आप लोग समझ जाओगे ना, उस दिन मुन्नी बदनाम नहीं होगी। तो सोशल साइट का जहां तक विषय है महेंद्र भैया, इस सोशल साइट के दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए, पर इसका उपयोग प्रभावी ढंग से हो बढ़ रहा है, और इसमें हम सबको साथ चलना चाहिए। ठीक बात, चलिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बहरहाल, बात चाहे किसी भी आतंकी घटना की कर लें या उस क्रिया की कर लें जो कि राजनीति के मैदान से लेकर सीधे जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों से जुड़ती हो, लेकिन मूल बात यही छुपी है कि सोशल मीडिया का सही मायनों में सही उपयोग हो, सदुपयोग हो, जो कि समाज हित में भी हो, विकास की रफ्तार के साथ बहने में भी सहयोगी बने, और देशहित और राष्ट्रहित के मुद्दों से भी जनता को जोड़कर रखे। जाते जाते पीयूष, आपका विश्लेषण लेते हैं, आप क्या मानते हैं, जिस तरह से दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपना यहां पर पक्ष रखा, ये WhatsApp, Facebook और Twitter की पॉलिटिक्स क्या देश को कहीं कोई गलत राह पर तो नहीं ले जा रही है? क्योंकि आज के जो नौजवान है या जो युवा पौद है, वो इसी रफ्तार में बहने को आतुर है। क्या ये यंग हिंदुस्तान कहीं इस WhatsApp, Facebook और Twitter की दुनिया में कहीं उलझकर तो नहीं रह जाएगा, और इसके दुष्परिणाम आने वाले पीढ़ी को तो नहीं भुगतना होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से सोशल मीडिया का जो है वो चलन लगातार बढ़ा है, कहीं जो अधिकतर युवा, अगर हम लोग युवा पीढ़ी की बात करें, तो वो आजकल कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है वो सोशल मीडिया पर निर्भर नजर आती है। दूसरी ओर अगर मैं राजनेताओं की अगर यहाँ पर बात करें तो वाकई में जिस तरह की टिप्पणी जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे माध्यमों पर की जाती है, उनको लेकर कहीं ना कहीं अब उन्हें आगे जो है वो सतर्कता बरतनी होगी। क्योंकि कई बार देखने में ही आता है कि राजनेता जो है वो आवेश में आकर और तमाम जो है वो मुद्दों को लेकर अपनी बेबाक टिप्पणी देते हैं, और कई बार जो है वो अपने ही जो है वो गाइडलाइन से आगे निकलकर बात करते हैं। तो उनको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो अब सतर्कता बरतने की खासी जरूरत यहां पर महसूस होती है, और खासकर ये नौबत ना आए कि आपकी छवि खराब हो और कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो है वो गलत मैसेज ना जाए। इन तमाम मुद्दों को अब यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत यहाँ पर देखी जा रही है। युवाओं की बात करें तो वाकई में जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया को एक्सेप्ट किया है और उसको प्रभावी रूप से जो है वो उसमें जो है वो मैदान संभाला है, बात करें तो कहीं ना कहीं उसके दुरुपयोग से बचे और इसके जो है वो प्रभावी तौर पर जो है वो इसको अपनाया जाए। तो राजनेताओं के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सीख उन्हें लेने की जरूरत है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, तमाम जो है वो जनता के मुद्दे पीछे नजर आते हैं और व्यक्तिगत आरोप की राजनीति यहाँ पर देखी जाती है। तो हथियार की तरह उपयोग ना करें और इसे कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से अपनाएं तो ज्यादा यहाँ पर जो है राजनेताओं के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक बात है, छवि को चमकाने का एक ये जरिया है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राजनीतिक दल के बड़े चेहरे अब इस सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत ही ज्यादा सुर्खियां पाने लगे हैं। जाते जाते दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाखों लाख करोड़ों फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, ट्विटर की दुनिया पर, यूट्यूब में, और भी न जाने कहां कहां सोशल मीडिया पर मोदी जी पहुंच चुके हैं। उमेश शर्मा जी के कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फ्रेंड लिस्ट है उनकी फेसबुक पर, व्हाट्सएप की दुनिया में, जरा उनकी सक्रियता को भी जान लेते हैं। उमेश जी, आपके कितने दोस्त हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए आपसे जुड़े हैं, और किस तरह से राजनीति से परे जब आपको उनके साथ अपने अनुभव साझा करने का मौका मिलता है तो किस तरह से ये संख्या जो है बढ़ती दिनों दिन चली जाती है? महेंद्र जी, मेरे अपने फेसबुक की तो मित्रों की संख्या पूरी हो चुकी है, मैंने फेसबुक का दूसरा वर्जन बनाना, एडिशन बनाना पड़ा मुझे, अच्छा माध्यम है। व्हाट्सएप की बात है तो मेरे पास कुछ बहुत अच्छे वैचारिक ग्रुप है, उसमें एक ग्रुप आपका भी है, प्रेस क्लब के भी कुछ दो चार मित्रों के ग्रुप है, एक मेक इन इंडिया है जो मेरा खुद का अपना ग्रुप है, एक हमारा सदन पटल है।
उसमें जो विश्वविद्यालय के जितने धुआंधार और धाकड़ वक्ता रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने समय विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है, ऐसे सारे वक्ता उस सदन पटल ग्रुप में हैं। एक हिदायतुल्ला खान है, मेरे मित्र हैं, प्रभात किरण के पत्रकार हैं, वो बहुत अच्छा एक शेरो सुखन का ग्रुप चलाते हैं, उसमें भी मुझे बड़ा आनंद आता है। उसमें उर्दू का जो मिजाज पढ़ने में आता है वो बहुत आनंद आएगा, और बहुत आश्चर्य उसमें कम से कम 3-4 हज़ार शेर रोज पढ़ने में आते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे ग्रुप हैं जो वैचारिक ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे मैं खुद तो अकाउंट हैंडल नहीं करता हूँ, पर मैं पढ़ता लगाता हूँ। कुछ पसंदीदा मेरे हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा समय तो मैं सोशल साइट पे नहीं दे पाता हूँ, पर व्हाट्सएप पे तो नियमित आ जाता हूँ। फेसबुक वगैरह पे मुझे 2-3 दिन में कभी उपलब्ध हो पाता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे संगठन का कार्य ऐसा है, अभी महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है तो संभाग के अनेकों जिलों में मुझे बैठक लेने जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। पर मैं बहुत अंतर्मन से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया का नया उजला और चमकदार स्वरूप आया है, ये चमत्कृत कर देने वाला है और सीधे संवाद स्थापित करने वाला है, और मैं इसको प्रणाम करता हूँ, इसकी स्वीकार्यता को प्रणाम करता हूँ। पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरा प्रणाम, मेरी स्वीकार्यता इसके लिए केवल उपयोग तक है, मैं इस पर आश्रित नहीं हो सकता। हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान प्रवक्ता श्री नरेंद्र सलूजा जी भी रहे हैं। सलूजा जी, आप कितने एक्टिव हैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर? फेसबुक पर आपकी फ्रेंड लिस्ट की कितनी संख्या पहुंच चुकी है, और कैसे आप भी कांग्रेस के बड़े नेताओं की तर्ज पर लगातार जो कांग्रेस को आगे लाने की कोशिशें कर रहे हैं, वो कितनी आपको कारगर साबित होती दिखाई देती है इस दुनिया में? देखो, मैं तो कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का मैं सर्वाधिक उपयोग करता हूँ। जी जी। चाहे फेसबुक की बात करें तो मेरा दूसरा अकाउंट भी कंप्लीट होने वाला है मेरे फ्रेंड लिस्ट का। जी जी। और व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में इस मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों के मेरे 150 ग्रुप में मैं सक्रिय रूप से भागीदारी मेरी, और नियमित संवाद पूरे प्रदेश की हर घटनाओं पे, हर इवेंट पे मेरा नियमित संवाद होता है। तो व्हाट्सएप पे भी मैं सक्रिय रहता हूँ, फेसबुक पे भी, ज्यादा ट्विटर की बात है, मैं ट्विटर भी खुद हैंडल करता हूँ, और नियमित रूप से ट्विटर भी ताजा घटनाओं पे अपनी प्रतिक्रिया भी ट्विटर के माध्यम से देता हूँ। जी जी। और ट्विटर में भी फॉलोअर्स की मेरी एक बड़ी संख्या है, तो सोशल मीडिया का बेहतरीन उपयोग करता हूँ। फेसबुक का भी प्रतिदिन उपयोग करता हूँ, और फेसबुक के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि शहर के विभिन्न चौराहों पर जो एक गिरोह सक्रिय, जो भिक्षा मांगने वाला किस प्रकार से राहगीर को परेशान करता है, कुछ भी शहर के इश्यू रहते हैं ज्वलन, उसको लेकर फेसबुक पे मैं उनके मंच पे मैं जनता से उनकी प्रतिक्रिया भी लेता हूँ। तो मैं इसको अच्छा सकारात्मक अपनी प्रतिक्रिया देने का माध्यम मानता हूँ, और सभी से ये अपील करता हूँ कि फेसबुक हो चाहे सोशल मीडिया के जितने भी अंग हैं, सभी के ऊपर से सक्रिय रूप से यदि आदमी सक्रिय रहता है तो निश्चित तौर से समाचारों का आदान प्रदान होता है और एक दूसरे से जुड़ने का हमें मौका मिलता है। लेकिन इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, इसके माध्यम से भ्रम और झूठ नहीं फैलाया जाना चाहिए, अच्छी बातों को अच्छे माध्यम के रूप में इसका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, एक दौर था जब हिंदुस्तान में जितने अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे वो एनजीओ चलाया करते थे, अशासकीय संस्थाएं चलाया करते थे, लेकिन आजकल वो दौर गया कि लोग अब व्हाट्सएप के ग्रुप चलाया करते हैं, अपने विचारों के आदान प्रदान का मंच बनाया करते हैं। बहरहाल, उम्मीद की जा सकती है कि सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलू को अपनाकर न केवल जनता समाज बल्कि हमारे राजनीतिक दल और हमारे राजनेता भी एक सकारात्मक लकीर खींचेंगे, और उम्मीद है कि सशक्त हथियार का सही उपयोग हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों के जरिए ही इसकी शुरुआत होगी। बहरहाल, वो राजनीतिक प्रचार हो या कोई सामाजिक संदेश के प्रचार प्रसार का मसला हो, सोशल मीडिया का सकारात्मक पहलू ही सर्वोपरि होना चाहिए, वही प्राथमिकता में होना चाहिए। डी लाइव न्यूज के खास सेगमेंट न्यूज एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। हम दोनों ही खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता श्री नरेंद्र सलूजा जी, आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता श्री उमेश शर्मा जी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े थे डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे, आपका भी हम धन्यवाद देते हैं। डी लाइव न्यूज के खास सेगमेंट न्यूज एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और मुद्दे के साथ, फिर नए मेहमानों के साथ, और कोशिश करेंगे कि समाज के लिए जो जरूरी समाचार का विश्लेषण है वो जनता तक, वो दर्शकों तक पहुंचे, ताकि सच बेपर्दा हो सके। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।